इसका कुछ अर्थ होता हो। रशिता को मालिश कौन से फिर से करना है? बला, वह दोनों के लिए कॉमन बला है। अच्छा, अश्वगंधा तेल की भी कर सकते। प्रसूता में बुखार आया तो आपने लेप लगाना चाहते, वो कौन सा लेप? प्रसूता को बुखार आया तो सहदेवी नामक एक वनस्पति है, उसको उसकी जड़ बांध सकते हैं, सीधी ही गिलोई का काढ़ा पी सकते हैं। जी कल कभी कभी बालक कभी कभी सोता नहीं है तो वो जो आपने बोला माला रखनी है वो रख सकते हैं, कभी कभी सोता नहीं है तो ये माला उपयोगी होगी। जटामासी और तुलसी की, जटामासी क्या है? वो एक वनस्पति, ये बड़े लोग भी पहन सकते हैं जिनको नींद नहीं आती। वो दूसरी जगह माला पहनाने का पहले बंद कर दे। तो वो क्या होता है कि वो लोग, बहुत लोग हमारे यहाँ थे, हम पहले बेसिक वैष्णव को फॉलो करते थे, पहले पिताजी के पिताजी के भाई वो सब, तो वो लोग हमारे पास आते थे, वो बोले कि भगवान को हम इतना स्नान करवाते हैं, भगवान ने नवड़ावीए छे तो आटली तकलीफ आवे छे, तो शू कहीए। तो गुरु जी एक बताते थे कि समाज को बीजा नवड़ावानु बंद करो, पछी भगवान ने नवड़ावो के नहीं। तो ये एक बात थी कि माला दूसरे को पहनाते हैं अलग अलग प्रकार की, वो बंद कर दे। तो ये माला बड़ों के लिए नहीं, उपयोग करे तो प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको नींद आए तो मुझे बता देना, आपको मैं बड़ों के लिए भी प्रमोट करूंगा उसको, बड़ों के लिए वो औषधियां है जी। ये बच्चों के लिए एक ही है। गुरु जी जैसे आज मान लीजिए अष्टमी है तो ये कल ये नवमी का समय कब शुरू होगा और अष्टमी का समय? हाँ ये तो कल हमने बात की, सूर्य नहीं तिथि का, सूर्योदय का, सूर्योदय पर कौन सी तिथि होगी वो गिनी जाएगी, वो तो अलग अलग होता है, वो अलग अलग ही होता है। अब मैं करूँ 10 बजे तो नहीं होता है, 11 बजे तो नहीं, कोई तिथि 11, 10, 12, 1, 2, 3, 5 कभी भी बदल सकती है जी। गर्भिणी स्त्री को लस्सी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, रोज गर्भिणी स्त्री को, वही मैंने बताया ना, वो जो संस्कार है उसी में नस्य आ गया। अच्छा। कभी ऐसा सर्दी हुई रोग हुए तो दे सकते हैं, या श्वसन के लिए कुछ चाहिए तो एक एक बूंद केवल दे सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम, जैसे उसको इचिंग फील न हो ऐसा कुछ न हो तो सादे गाय की। हाँ वो दे सकते हैं 10 बूंद गर्भिणी को रोज दे सकते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ जितना चाहिए, नौ, क्योंकि उसमें सारी गर्भावस्था में लेनी होगी। ठीक, ये कमल बीज है, इसके ये आकमल काकड़ी है, ये कमल बीज है, ये कमल काकड़ी है, इसकी माला है, देखिए ये है ना, ये कमल बीज है। एक मिनट, मखाना इसी से प्रोसेस बन के बनता है, इसके जो अंदर आता है ना उसी से है, उसके उसकी खीर खा सकते हैं, उसका और उपयोग कर सकते हैं, फराल में करते हैं वही ना, जो आप उसका एकादशी हुई कुछ हुआ तो वो मखाना खाते हैं वही ना। ये माला का तो अलग उपयोग है, ये माला का जैसे जिसमें ये गर्भ को कोई तकलीफ है या फिर उसको ठहरता नहीं तो ये माला की एक विधि है, वो केवल उसकी थोड़ी लंबी है तो वो सिखाते हैं, लेकिन ये पहनने का ही ये विधान है ये कमल गट्टे का, लेकिन इसका उपयोग गर्भावस्था में इसके बीज का उपयोग क्रश करके उसको दूध में डालकर फिर उबाल कर उसको पीने का। सेकना नहीं है? नहीं, उसको सेकना नहीं है, सेकी हुई तैयार भी आती है दूसरे प्रकार की, उसको चूर्ण में उपयोग करते हैं, जब हम चूर्ण बनाते हैं ना इसका ही, तब वो सेकी हुई उपयोग करते हैं। नहीं, अत्यधिक मात्रा में तो कुछ भी नहीं खाना है, तो भी दही तो नहीं खाना है, एक से दो चम्मच अलम है रोज, हाँ रोज, रोज या 4-5 दिन हफ्ते में। जी बच्चे का जब जन्म होता है उसी टाइम से उसके पिता को उसके कान में कुछ बोलने का प्रावधान है, जातकर्म संस्कार में, तो वो चरक संहिता में भी है वो मंत्र, शायद हमने उसमें लिखा भी है कि उसको जात कर्म संस्कार वेखत बोलने का मंत्र है, तो वो कान पे देते हैं, वो पहला ही बोलेगा है, वो बोले तो अच्छा है,
एक ध्येय देने की बात है, पितृत्वेन तु मंत्र दहा ऐसा है वो जो मनु में बताया है कि पितृत्वेन तु मंत्र दहा, तो मंत्र दहा हमेशा पिता होता है, वो पिता की जिम्मेदारी हमारे यहाँ बताया तब पूरी हो जाती है जब उसको अच्छी शिक्षा तक पहुंचा दे, उसको चाहे उसको संपत्ति दे न दे वो पिता की जिम्मेदारी नहीं है, वो न दे कोई बात नहीं, मानो किसी का गरीब है और उसने कुछ संपत्ति नहीं दी अपने बच्चे को, तो उसने अपना कर्तव्य नहीं किया ऐसा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके पास थी नहीं या तो फिर नहीं देना चाहिए, खर्च कर दिया तो, लेकिन उसको कुल तक अच्छी शिक्षा तक पहुंचाना वो कर्तव्य है, वो कर दे उसके बाद वो पूरा हो गया उसका, तो यहीं तक पहुंचाने के लिए पिता प्रथम कदम है, दूसरा गुरु का आता है, तो इसके लिए हम बता दें जो आप कर सकते हैं घर पे वो आपको ही करके आना है, आपका काम हमको न करना पड़े तो हम हमारा काम कर पाएंगे। आजकल क्या करना पड़ता है, गुरु शिक्षा भी हमको यहाँ देनी पड़ती है और गुरुकुल भी, इसके लिए सभी गुरुकुल के परिणाम उतने लेवल तक नहीं आए, क्यों, क्योंकि गुरु शिक्षा भी गुरुकुल में देनी पड़ती है, पहले गुरु शिक्षा घर पे होती थी तो गुरु का काम बाद में चालू होता था, तो फाउंडेशन बना दिया तो सीधी बिल्डिंग होगी, अब फाउंडेशन भी भरना है तो तकलीफ होगी, तो गुरु शिक्षा एक करे इसके लिए अगली बार की शिविर है कि घर पे कैसे भोजन करे, बालक को कैसे कहे, उच्छिष्ट क्या कहा जाता है, कैसे उसको भोजन की प्रक्रिया बालकों की किस तरह से बैठना किस तरह से क्या होती है, साधारणता से वो घर को घरों में नहीं होती है, वो पता ही नहीं होता है क्योंकि कोई ने ऐसा बताया नहीं होता है, तो इसके लिए पानी से लेकर भोजन से लेकर सभी सूक्ष्म बातें आएगी कि इसमें क्या ध्यान रखे, आयुर्वेद से हिसाब से ये सही बात है, इसमें मंत्र का है करना चाहिए। गुजराती में कहावत है इसके विषय में, जे करे शेक ने ताप ये न करे माने बाप, जो माता पिता नहीं कर पाते है ना वो शेक और ताप कर देता है, इसके लिए उत्तम जो है ना वो ठंड के ऋतु में या ठंड पूरी होने पर डिलीवरी है वो उत्तम मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि उस समय उसको शेक ताप दे सकते हैं, तो ये गर्मी में थोड़ा दे या बहुत कम मात्रा, डिलीवरी के शायद 10-8 दिन के बाद उसको थोड़ा थोड़ा ताप ताकि वात प्रकोप न हो उसको जी, और उसकी एक एक प्रकार का वो खटिया आदि है शतावरी का वगैरह का, फिर बाहर का जरूरत है तो बकरी का दूध, दूध भी बाहर का दे सकते हैं, उसके धात्री का एक विधान था, एक स्पेयर में रखते थे जैसे हम स्पेयर व्हील रखते है ना गाड़ी में, फीचर हो गया तो क्या, जड़ के बारे में बहुत सोचते हैं, चेतन के बारे में तो नहीं सोचते कुछ भी, तो स्पेयर व्हील रखते थे गाड़ी में, पता है ना वो अभी रखते हैं, तो उसमें स्पेयर माता करते थे पहले, धात्री उसको कहते थे, वो माता को दूध नहीं आया तो क्या करे, तो तुरंत अर्जेंसी में इसको, क्योंकि वो महत्व समझते थे इसका, तो एक दूसरी स्त्री थी जो उसके जैसी ही थी, फिर उससे उसको पटना चाहिए नहीं तो दोनों एक दूसरे के सामने आंख काटेगी तो नहीं चलेगा, तो उसको ये तो दोनों को पटना चाहिए, फिर इसके लिए जेठानी को देवरानी को नहीं बोला, बराबर है, वो धात्री को बोला, धात्री कौन हो सकती इसका कंसेप्ट आया, क्योंकि उसको साइकोलॉजी का विचार करना है पूरा, उसको तो बहुत सारा देखना है पूरे घर का, तो इसके लिए एक धात्री अलग से कोई रही तटस्थ स्त्री, नहीं तो नहीं दे सकती है दूसरी घर वाली, तो वो उसको धात्री रखी, धात्री के पास वही गुण वही वो उसके बाद वो कैसा काम करेगी उस तरह के उसकी परीक्षा करके उसको पास करना है, वो कब दे तो वो भी परिणीत हो उसके भी स्तन आता हो ऐसी पास की, फिर इसको स्तन्य नहीं आए तब उसका स्तन्य उसका उपयोग करे, अभी ये कंसेप्ट नहीं है इसके लिए, अभी इसके पास किसका मतलब जब कब्जियत हो तब ना तब कभी ले, हमेशा के लिए कोई भी रेचक पदार्थ ना ले, तो थोड़ी पानी पी सकते उसका ऐसे ऐसे करके ऐसा कुछ है कि अगर हम पुत्र प्राप्ति और पुत्री प्राप्ति का कर सके ट्विंस का भी कोई कष्ट नहीं, ट्विंस का ऐसा कोई प्रयोग नहीं है, वो ट्विन से वो अपवाद है मुख्य संस्कृति के रूप में नहीं है, नहीं तो कोई कोई लोग अभी इसी कर देंगे कि दो बार प्रसूति न हो एक ही बार में ट्विंस हो जाए, इसके लिए वो कुदरत ने अपने पास रखा है और मेरे पास भी प्रयोग नहीं है, कोई नहीं तो मुझे लालच ना दिखाए कि आपके पास है तो थोड़ा आपका भी हम कर देंगे उसका प्रचार या फिर कुछ डोनेशन ही दे देंगे आप बता दे, ऐसा ना करे, ऐसा नहीं है प्रयोग हमारे पास, वो जो साधारण
वो गोंद आता है, आप दुकान पर बोलेंगे तो वही गोंद देगा। नहीं नहीं वो गोंद दूसरा आता है, आप बताओ खावा जी। तो संगीत की बात अभी हमने नहीं बताई है, संगीत का इतना डिटेल है कि संगीत के एक एक राग का वर्णन है। हम चाहते हैं कि उसका प्रैक्टिकल ही देखो एक बार। इसके लिए जो विषय हमने नहीं बताए हैं उसका कुछ कारण है, अभी हमने छुआ। आप ऐसा मत मानिए कि इसने बात ये सोची ही नहीं होगी संगीत की, लेकिन वो एक बात में हम जाएंगे तो गुरु जी ने उसके ऊपर बहुत डिटेल बताया है, एक एक राग का, एक एक स्वर का, उसके साथ मंत्र का, वो बहुत बताना पड़ेगा। इसके लिए वो नहीं है, अभी आप साधारणता से संगीत सुने, उसके राग हम बता सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा ये दिया था जो पिछली शिविर में नहीं हुआ था, इसके लिए दिया था। इस बार का ये विषय नहीं था, इस बार की ये विषय है। ये आपको जानने के लिए पिछली बार का दिया था, ये पिछली बार में हमने लिया था, ये सब आपका चुप गया था, इसके लिए इस शिविर में आप अटेंड करें। कोई शिविर अभी हम करेंगे तब ये पूरा आपको देंगे। ये जुलाई की शिविर देख के इधर लिखा है, बराबर है, यहाँ दिनांक लिखा है, उस तारीख को शिविर थी, उसमें ये दिया गया था। आप ये जानकारी के लिए दिया है, कभी हम इसके बारे में लेंगे कि इसके क्या क्या वर्णन है, इसका क्या करना है। शायद हो सकता है तो हम भी थोड़े ही समय में हम उसको करेंगे आयोजन, क्योंकि थोड़ा समय रहा है। तो आप 15 मिनट तक बताएं कि ये शिविर में आपका अनुभव क्या रहा। तो प्रश्न का शायद ये अंतिम लेंगे जी, जल्दी करें। पुस्तक के कौन से साधारणता से गीत, महाभारत, भागवत या कोई अच्छे लेखक की पुस्तक, सीधी संस्कृत की पुस्तक अभी पढ़ने के लिए योग्य नहीं होती है। इसके लिए नॉवेल वगैरह न दे, डिटेक्टिव पुस्तक न दे, बाकी कोई भी संप्रदायों ने अच्छी अच्छी पुस्तकें छापी है वो उसको पढ़ने के लिए दे, जो आपको चरित्र वर्णन की आती है उसमें। रिचुअल्स वाली है तो वो न दे, चरित्र चित्रण वाली जो चरित्र नॉलेज है तो, और वो गर्भ में मतलब वो गर्भ नहीं हो उसके लिए बहुत है, तो वो तो आगे, आगे दे सकती है उसके लिए। और गुरु जी जो पांच पुस्तक आप निकालने वाले हैं वो कब करेंगे क्या पांच पुस्तक तो भी आ जाएगी, गर्भ के ऊपर छठी पुस्तक है हमारी। पांच पुस्तक शायद आप अगली शिविर में ही आपको प्रति मिल जाएगी यहाँ से गुरु जी। अगली शिविर में आप आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मंथन भाई को फोन करिए, वो आपको कुरियर कर देंगे। ठीक है गुरु जी, के उसका है नाम गोदंती भस्म, और उसकी एक हमने टेबलेट बनाई है, उसका नाम है कैल्शियम फोलिक एसिड टेबलेट, वो यहाँ पर है शायद, सचिन साहिब ने बनाई है, डॉक्टर सचिन कला। अच्छा जी वो आप ही बताइए, क्या प्रश्न है कुछ? नहीं प्रश्न नहीं है, एक आप इस पे विचार कर आप सभी। अच्छा, तो वो तो विचार कर गुरु जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन से हैं? नहीं है कोई नहीं, वो यही पर केवल लिखित रूप में हमारे पास, हम निकालेंगे तब आएगी वो। अच्छा जी जो है तू निकलेगी ट्रांसलेशन कर। दंपति में एक महिला है वो पुरुष से 2 या 3 साल छोटी होती है, अगर कोई महिला 2 या 3 साल बड़ी हो तो कोई फर्क पड़ेगा? वो अलग ही विषय हो गया है, मतलब वो यहाँ पर तो कोई तकलीफ इसमें नहीं है, कोई और तकलीफ हो हम बताएंगे। ठीक है। आचार्य जी जो आपने अलग अलग चीजें बताई हैं थोड़ा, तो वो साथ में ले सकनी है क्या? जैसे कि कई सारी औषधियाँ बताई हैं, हाँ वो साथ में ले, साथ में लेनी है, उससे कोई हानि नहीं है। माता को एक या डेढ़ साल में दूध आता है, तो बच्चा उसका दूध पीता है, ठीक है, वो छोड़ना नहीं चाहता, तो जब छोड़ता है तो बड़ी मुसीबत होती है, छोड़ना नहीं चाहता, तो उसके लिए कोई उपाय है? उपाय ये है कि उसके स्तन के ऊपर कुछ लेप बताए गए है, उस स्तन उसका छूट जाए, इसके लिए कुछ कड़वा रस उधर लगाना है, तो कड़वा लगेगा तो छोड़ देगा, ऐसा एक उपाय बताएंगे। स्तन के ऊपर कुछ लेप रखे ताकि बच्चा को धीरे धीरे अपने आप से छोड़ दे। आयुर्वेद में इतनी तक दवाई बताई गई है कि जो जो शराब पीता है तो शराब पीता है तो उसको शराब छुड़वानी है, तो आपको कोई भी विषय पर आपको उपेक्षा किया गई ना अंदर, आप छोड़ देंगे उसको। जैसे किसी आदमी के पास कोई पागल है और थोड़ा विवेकी है, लेकिन उसने उपेक्षा करनी शुरू कर देंगी ना तो उसका मन उससे हट जाएगा। विरोध नहीं, विरोध से भी ज्यादा खतरनाक उपेक्षा है। तो उसका विरोध किया तब तो वो सामने उसके मन में रहा, लेकिन उपेक्षा की ना तो वो छोड़ देगा। इसके लिए आयुर्वेद में शराब पीते हैं तो उसको बताइए कि आटे में एक प्रकार का पाउडर डाल दो,
और पाउडर को मिक्स करके उसके बाद आटा बेल दो, आटा के बाद रोटी, रोटी जैसी खाली उसने खाई तो क्या होगा, अब फिर शराब पिएगा चार बजे तो वो सीधा शराब आएगा ना वो बाहर निकलेगा वो मिट्टी, और ऐसे पांच सात बार हुआ तो उसको लगेगा अब शराब ठीक नहीं है। पाउडर देखिए उसमें कुछ कुछ वनस्पतियां है तो आठ प्रकार की प्रतिनिधि औषधियों के लिए गई है, तीन चार और है इसके लिए, वो अभी उसका पाउडर कठिन है लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, एक कोई उसका बहुत पैसा लेकर एक बना रहा है, उसका मैं एड्रेस दे दूंगा आपका, जो किसी को आपको व्यसन छुड़वाना है तो आप वहीं से ले लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस कठिन है हम बता देंगे लेकिन वो करना बहुत कठिन है। सुरारी, सुरारी है, सुरारी पाउडर का नाम सुरारी है, हाँ राजस्थान हर्बल का, राजस्थान पर है, और एक है उसका नाम कुछ है एल्कोवेर करके, यहाँ की कंपनी एल्कोवेर है, वो एल्कोवेर एक बनाती है अल्कोहल का पाउडर, अल्कोहल छुड़ाने का पाउडर, लेकिन वो बहुत कमर्शियलाइजेशन है उसमें, इसके लिए पैसे बहुत है लेकिन वो काम अच्छा है उसका, हम भी उसकी कभी आपके जैसे लोग आएंगे तो इधर बनाएंगे तो फ्री में देंगे किसी को, और क्या। अच्छा जी, नौशादा त्रिफला बताया था आपने एक बार, नौशादा त्रिफला बताया था, नौशाद में प्रयोग रिस्की से वो, वो एक से दूसरा होगा तो फिर अंकल वो बाई रहेगी, वो जिंदा था वो अच्छा था, शराब पीता था दिया उसको क्या है, जिंदा तक विरोध होता है तो गुरुजी ने उसकी मना की, इसके लिए हम नहीं बना सकते नवसार मौसा, आप प्रयोग कर सकते हैं, हमारे क्या है कि वो बहुत सारे काम है, आग में हाथ डालने में क्यों जाएंगे बिना कारण, बराबर है ना। नवसार का एक प्रयोग जो बताया ना वो ऐसा है, वो सक्सेसफुल है लेकिन उसकी ज्यादा मात्रा गई, ज्यादा अल्कोहल ले लिया तो उसको कुछ हो गया तो फिर हम फंसेंगे, इसके लिए हम नहीं करते, आप कर सकते, उसको सिद्ध करना होता है, करते हैं उसको सिद्ध करके उसके साथ तीन बस मिला करके उसको देना होता है। आपको हम सजेस्ट करेंगे, आप बनाइए आपके नाम से। स्तनपान एक से डेढ़ साल, और आपने कहा कि चार महीने तक बच्ची को कोई शब्द नहीं जाना चाहिए, और लेकिन बच्चा ही रोता है तो क्या करें, वो चले चुप कराने के लिए हम तब तो एकाग्र नहीं है ना, तब आप फिर हमारा शब्द, वो देखिए आप शब्द जब हम कहते हैं वो क्यों मना किया, उसकी अवलोकन शक्ति होती है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, अब वो खुद रो रहा है तब वो अवलोकन नहीं कर रहा है, तब तो उसको आपको करने के लिए शब्द चाहिए, उसको हरेक को ऐसा लेना है, वो पढ़ाते थे ना झंडू भट्ट जी, तो राजवैद्य के पास गए नाड़ी देखकर, फिर वो गर्मी के दिन थे तो आयुर्वेद में ऐसा पता नहीं चलता है कि आपने इतनी आम खाई है वो खाया है प्रकोप दोष का, तो उसने नाड़ी देखकर बताया कि वो क्या है, बोले वो दर्द है ये वो है, किसी की नजर लग गई, राजा के पास तो सब ऐसा वैसा कहकर जाते हैं, नजर लगे वो तुरंत समझ में बात आती है कि यार ठीक है, हर एक स्त्री को ऐसा लगता है कि भाई मेज में ऐसा है कि किसी की नजर लग गई इसलिए प्रॉब्लम आते हैं, बात कहीं और होती है, तो वो राजा को ऐसा लगा कि यार ठीक बात है, तो भ्रम बैठ गया, तो उन्होंने नाड़ी देखकर बताया कि आपने आम बहुत खाई है इसके लिए गैस हो गया है, वो भी सही था क्योंकि आम वो बोले कल ही आपने आम खाई है और बहुत ज्यादा खा ली है, उसने बताया कि यार ठीक बात, अब औषध तो औषध दे दिया तो तीसरे दिन ठीक हो गया, तो शिष्य को लगा कि आपने नाड़ी देखकर कैसे बता दिया, कि वो भी टाइम बताया कल, तो बोले कि इसमें कुछ नहीं है तो वो विद्या मुझे सिखाओ, क्योंकि हर एक बात इधर होता है कि अब मुझे वो सिखा दो, उसने भी बताया कि मैं तीन दिन मैं अभी एक साल से रहा आपने बताया ही नहीं ये बात, तो कितना उसने कहा कि ऐसा कोई एक राजा भी प्रभावित हो जाए तो काम बन जाए मेरा, तो उसने बताया कि आप मैं जो पढ़ा हूँ क्या आपने विद्या सीखी, बोले कुछ नहीं बाहर मैंने जो आम के छिलके देखे गुठली देखी तो और राजमहल में कोई नहीं देखा, तो इतनी सारी आम के गुठले अब कोई नहीं है नौकर चाकर तब तो वहां पड़े हैं नहीं तो फिकवा देते, और कोई देखा नहीं, रानी पियर गई है तो राजा अकेला है तो उसने ही सारी आम खाई होगी, तो मैंने अनुमान से कहा कि इतने सारे आम है तो आपने ही खाए होंगे तो बता दिया, तो बोले ये विद्या आ गई मुझे, अब क्या है तुरंत व्यक्ति कह देता है अभी आप जाएंगे तो आप बोलेगी कि अब मैं हो गया डॉक्टर, तो अभी वो वहां गए, वहां जाने के बाद उसने क्या रानी को एक बार तकलीफ हुई बहुत पेट की, तो बोले गुरुजी अब तो मैं तैयार हो गया मैं जा रहा हूँ, आप कष्ट मत करिए मैं पूरा चिकित्सा का संभाल लूंगा क्योंकि सब विद्या है मुझे आ गई, वो गया, वो जाने के बाद उसने भी रानी की नाड़ी देखी, वो देख कर गया अवलोकन करके गया, उसने बताया कि आपने कुत्ते का मल खाया है रास्ते में इसके लिए ये हुआ है, तो रानी तो एकदम गुस्सा हो गई
तो उसने तो राजा को किया कि ये कैसे आप ऊंट रीत को इधर बैठ देते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है या तो उनको बताइए, तो आप ऐसे ऐसे आदमी को, तो झंडू भट्ट जी को बताया कि ये व्यक्ति ने ऐसा नाड़ी देख कर बताया, ये क्या कह रहा है। फिर तो उसको मनाना पड़ा कि ऐसा भी एक रोग, झूठ बोलना पड़ा कि अब ऐसा भी एक रोग, इसके लिए बेचारा बताता होगा आयुर्वेद पढ़ा है नया नया, तो उसको मैं आता हूँ। फिर उसको रात को पूछा कि अच्छा क्या, गुरु का यही काम होता है, वो एक को और कहता है, एक को और कहता है, ताकि उसको संभालना है शिष्य को भी। तो उसको बताया कि ये आप क्यों कहा, तो आपने तो मुझे सिखाया था उस दिन, आम पड़ी थी आपने बताया, इस बार मैं देख कुत्ते ने मल किया, मल भरा था, मैंने देखा, तुरंत समझ में आ गया कि रानी ने ही खाया होगा ये। सीधी सी बात है, तो ये सीधी सी बात आप इस तरह से लीजिए, वो रो रहा है तब हम शब्द नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब कोई मौन रख कर विपश्यना की शिविर में मत भेज जाइए, हम रोना है तो रोए, गुरु जी ने बताया है शब्द नहीं सुनाने हैं तो मैं सुनाऊंगी ही नहीं। फिर तो आप बैठेंगे तो सास डांटेगी आपको कि ये, और यहाँ का आपका आने का बंद कर देगी, ये क्या ऐसा उठपटांग बातें सिखाते रहते हैं, तो ध्यान लगा कर बैठ जाती है कि बच्चों को कुछ शब्द जो उसको सुनाना है वो तो सुनाना है, वो सब तब बात है जब वो अवलोकन करता है उसमें डिस्टर्बेंस न हो, इसके लिए शब्द नहीं कहना है, बराबर है। वो एक नियम है, उसके अपवाद है, फिर वो रोने लगे तो क्या करे, फिर उसको खिलौना देना पड़ेगा या फिर उसको बोलना पड़ेगा या उसको कुछ करना पड़ेगा, ये सब करे। बात तो की थी आपने सर, है लोरी सुनानी है। वो चार महीने के ऐसे आइडियल टाइम चार महीने के बाद का है उसका, लेकिन लौकिक में अभी कभी सुना नहीं पड़े तो वो सुनाइए, उसमें कुछ तकलीफ नहीं है, बस ऐसी वैसी बात उसको मत सुनाइए जो आप बाजार में लोग गाते हैं, मतलब घर पर आकर जो बात करते हैं वो बात उनको न सुनाइए, वो उसके काम की नहीं है, बस कि भाई किसकी शादी हो गई, किसके यहाँ बेटा हो गया, अभी बाजार बढ़ गई या महंगाई बढ़ गई या फिर क्या हो गया, वो न सुनाइए, मतलब बातों से अलग रखे उसको, और जितना अलग रखेंगे उतना आप देखेंगे वो रोएगा नहीं। कभी कभी वो इसलिए रोता है आपकी शब्दों से कंटाल जाता है, ये बंद हो तो अच्छा है, ये बेकार की बातें बंद करे तो हमें कुछ, तो क्या करेगा, वो मार तो नहीं सकता है, डांट तो नहीं सकता है, उसके पास एक ही हथियार है आयुर्वेद में, बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का हथियार कौन सा है, तो के बाला नाम रोदनम बलम, क्या है वो, हर एक बात करेगा कुछ आपको विपरीत होगा तो रोएगा, तो कभी कभी वो हमारी बातों से भी रोएगा, इसके लिए वो रोना कम हो जाएगा, इतना तो है ठीक है। तो कोई अनुभव दो तीन प्लासेंटा निकले के लिए क्या क्या आफ्टर कटिंग दी कोराड कैसे प्लासेंटा निकलता है, प्लासेंटा मदर का मदर का प्लेसेंटा नहीं नहीं वो डिले होने से ना, हाँ तो वो तो ठीक है, नहीं मतलब वो तो ये बता रहे हैं कि वो डिले होगा यदि ओड नहीं ओड आवे नहीं तो शू करूं, भैया बता रहे ना, वो यदि निकलती नहीं है जो पशु की कभी नहीं निकलती है तो क्या करें, उसके लिए चार से पांच प्रयोग है, ये जब उसको देर लगती है तब पशु के हो या इसको, आपको कोई याद है, हाँ तो आप बताइए, सुश्रुत में है बैगन, बैगन इसका फूल, हाँ बैगन के फूल को खाने से निकाल, बैगन के फूल का सेवन ये एक है, वो सुश्रुत में एक, ये दूसरा सुश्रुत में है, वो मैं भूल गया हूँ, तीन चार प्रयोग है उसके लिए, ये नहीं निकलती है तब क्या करें, और वो पशु पर भी एप्लीकेबल है, कोई भी पशु की नहीं निकल रही हो तब, वो मैं याद कर रहा हूँ अभी, वो मुझी ने उसमें चार प्रयोग बताए हैं, जब वो नहीं निकलती है ना तब उसको देर लगती है, तो बैगन के फूल का प्रयोग आप बता रहे हैं, अच्छा है, अच्छा है, फूल अच्छा है, एक लिख लेंगे, और एक चीज है वो जो मिल्क सिक्रेशन, मदर के मिल्क सिक्रेशन के लिए जीरा का, हाँ जीरा का सेवन करने से, जीरा का भूंज दे, भूंजने के बाद उसका सेवन करे, ये बात सही,
जीरा, इसके लिए जीरकाद्य रिष्ट आयुर्वेद की एक दवाई आती है तैयार, उसका नाम जीवकाद्य रिष्ट है, स्तन बढ़ाने के लिए जीवकाद्य रिष्ट चांडू बनाता है वो। किसके लिए? स्तन बढ़ाने, जीवकाद्य रिष्ट उसकी तैयार दवाई, दूध बढ़ाने के लिए। पशुओं में अगर डिलीवरी में इसमें प्रॉब्लम हो, अलग अलग पशु का नहीं, नहीं नहीं वो तुम्हें बता दिया, अभी नहीं, अभी तो अलग जगह पर जाएगा उसके लिए, पशु की बात की आएगी तो पशु। अभी अभी और एक अंतिम, वो जो मिल्क सेक्रेशन ज्यादा है ना, मल्ली फूल का, मल्ली फूल, मल्ली जैस्मिन, जैस्मिन फूल का लेपन करने से भी अच्छा होगा। बताइए, वो अभी बात हुई, जस्मिन फूल ने उन्होंने भी बात की, तो वो भी मैंने बताई ना, वो बताई या नहीं बताई? बताई थी, बताई तो रहे थे ना, मेरी भ्रांति हुई, मैंने बताई ठीक है, वो उसकी बात बताइए। हाँ एक मिनट, अब समय हो गया है, अनुभव कोई कहना चाहेगा ये, एक मिनट मैं कुछ कह देता हूँ, आप अपने प्रश्न मुझे पर्सनल पूछ लेना, जिसको पर्सनल प्रश्न है या ऐसा है तो मैं फिर हाजिर हूँ, फिर हम बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। तो प्रश्न अब जाहिर में प्रश्न पूरा हो गया, क्योंकि वहाँ हमारी वेट कर रहे लोग, 10 मिनट में ही हम पूरा करेंगे, तब तक कोई अनुभव अपना जो हुआ है ऐसा ही शब्दों में, ये ध्यान रखे जो वास्तविकता है वही बताइए, अतिशयोक्ति न करे कोई प्रकार की, जो